नगर सेविका अंजल नाईक बिना विरोध बीएमसी शिक्षण समिति की अध्यक्ष चुनी गई। पूर्व शिक्षण समिति अध्यक्ष मंगेश साटमकर ने सबसे पहले गुलदस्ता देकर अंजलि को मुबारकबाद दी। उसके बाद उन्हें बधाई देने वालों की लाइन लग गई। शिक्षण समिति अध्यक्ष चुने जाने के बाद इस कार्य को आगे कैसे बढ़ाएंगे, यह जानकारी अंजलि नाईक ने मीडिया को दी। उन्होंने सभी का आभार व्यक्त किया। अभी तो महानगर पालिका का तो धोरण है कि ज्यादा से ज्यादा जो अपना भाषावार जो एजुकेशन मिल रहा है, शिक्षण मिल रहा है, तो उसका वो पात्रता और उसकी जो बच्चों की संख्या है वो बढ़नी चाहिए। और उसके लिए बहुत सारे जो एज कंपेयर पेरेंट्स करते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल है और बीएमसी के स्कूल में से, तो उसमें भी अभी हम बहुत ट्राई कर रहे हैं कि बच्चों का पढ़ाई है वो ज़्यादा उच्च इसमें होना चाहिए। तसंच परत पुन्हा जे विज्ञान क्षेत्र आहे, परत पुन्हा कला क्रीडा क्षेत्र आहे, आपल्याकडे महानगरपालिकेचे विद्यार्थी स्टेट चॅम्पियनशिप पर्यंत जिल्हा पातळीवरती चांगल्या प्रकारे आंतरराष्ट्रीय खेळाडू पण झाले आहेत। जिम्नॅस्टिक असू दे, परत टायकेंटो असू दे, तर आपण स्पोर्ट्सकडे पण त्याचा कल नेतो आहोत। माननीय आदित्यजी ठाकरे साहेबांचा जो फुटबॉल आणि क्रिकेट आणि इतर ज्या गेम्स आहेत त्याच्याकडे पण त्यांनी जास्त प्रकारे कॉन्सन्ट्रेट केलंय। तसेच आपण ई लायब्ररीचं हे केलंय, व्हर्च्युअल क्लासरूम केलेत, अशा वेगवेगळ्या आपण योजना तिथे आपण आता घेतो की जेणेकरून जी महानगरपालिकेच्या शाळेची पात्रता जास्तीत जास्त उंचावेल आणि विद्यार्थ्यांना जास्त सोयी होईल। परत इंग्रजी विषय बोलण्यासाठी आपण जो MPS स्कूल सुरू केली आहे, तर जेव्हा नवीन शिक्षक आणि इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षक जर मिळतील तर इंग्रजी माध्यमाची पण जी त्याचं स्टँडर्ड आहे तर ते जास्तीत जास्त चांगल्या प्रकारात मिळेल आणि त्याचा आउटपुट आपल्याला येणाऱ्या काळात नक्कीच दिसेल। नाही, एज्युकेशन कमिटी एक ऐसी आहे ना की बहुत क्लिष्ट कमिटी आहे की इसमें बहुत सारे ऐसे जो निर्णय है वो क्लिष्ट है, इतनी इजी नहीं है। उसमें पेंशन का सवाल है, बहुत सारे शिक्षक उनका ग्रेजुएटी का सवाल है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। मगर हम लोग हमारे माध्यम से ये सभी सवाल है ये हम लोग छुड़ाते हैं। गए साल भर में हमने बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए कि उससे हमारे टीचर्स है, हमारे जो क्लरिकल स्टाफ है उनके बारे में हमने अच्छे निर्णय लिए। और इसलिए इसके आगे भी मैडम अभी आज उनकी नियुक्ति हो गई, इसके आगे भी जो बाकी काम है वो पूरा करेंगे उनके माध्यम से। मैं खुद एजुकेशन कमेटी में हूँ वहाँ पे, तो हम लोग मिलके वहाँ पे काम करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले साल में हम लोग बहुत सारे ऐसे निर्णय लेंगे जो इसके पहले जो निर्णय लिए थे उसमें इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और एक अच्छे अच्छे निर्णय हम लोग लेंगे। कैमरामैन रोशन गायकवाड़ के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र, मुंबई। सब्सक्राइब करें ग्लोबल चक्र न्यूज चैनल को और लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।